हेलो गाइस। सो अभी मैंने आई डोंट नो 2 महीने पहले रॉ एंड रियल के एपिसोड्स देखे थे सारे के सारे, क्योंकि मैं 2020 2021 जब ये एपिसोड्स आए थे उसके टाइम में नहीं देख पाया था, बिकॉज आई वाज बिजी इन प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह की वजह से। मैं एक दो एपिसोड मैंने देखे थे, बट मुझे पता था कि हाँ ऐसा रॉ एंड रियल वगैरह पॉडकास्ट चल रहा है, बट मैं कुछ देख नहीं पाया था। बट आई केम अक्रॉस दिस वीडियो, और अभी क्योंकि मैंने मेरे पास फ्रेश मेमोरी है तो आई थॉट व्हाई नॉट रिएक्ट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी बडीज टाइम। ओके नाउ वी हैव टू गो। भाई मैं ओबीएस फर्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ, सो प्लीज बियर विद मी गाइस। आई हैव टू गो टू सफारी, नॉट दिस सफारी। ऑलराइट, हियर वी आर, लेट्स स्टार्ट। हाँ मेरे भाई, आई जस्ट केम अक्रॉस दिस एड। मैंने अभी इसको 1 मिनट या शायद ऐसा समथिंग देख लिया है। मैंने कहा इसको मैं रिएक्ट ही कर रहा है यार, इट्स टू फनी। चलो बाय द वे, एक रिएक्शन में कर चुका हूँ, सेम वीडियो में रिएक्शन में कर चुका हूँ, बट उसमें कुछ ऑडियो का इशू आ गया, सो आई हैव टू रिएक्ट टू इट अगेन। तो उतना ऑर्गेनिक नहीं होगा यार जितना फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग आफ्टर वाइल, तो बट क्या कर सकते हैं गाइस, क्या कर सकते ऑयल लगा बॉडी पे। हाँ बैडेड, बढ़िया किया लॉन्डे ने। भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। बढ़िया, मजे मार रहे हो? नमस्ते कर दो इंसान को पलट के कभी, है ना? नमस्ते कर रहे हैं लोग, कर दो भाई नमस्ते, नमस्ते कर दो। If you follow me, he push a pedal somewhere in the middle. 6 feet under is a new level. I am considered the rebel because I never settle out. 20 minutes of podcast. सच बता, तुम दोनों, तुम लोग लड़की नहीं है तुम लोग की लाइफ में? झूठ नहीं बोल रहे, सच सच बताओ। दोनों की पूछ रहे, सारे लोग पूछ रहे, पहले तू सब जानना चाहते हैं। ये बॉय, ये बॉय। अब ये लड़की ढूंढ रहे हैं तो ढूंढवा दो। Simp. You're a simp. 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 You're a simp and nothing else. मैंने विदान से बोला, विदान जिस दोस्त का क्रश है उससे बात करवा दे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। नहीं, वेदान की तो अलग ही लेवल पे मारते थे भाई पूरे पॉडकास्ट में। बेचारा भाई बोलने लायक ही नहीं रह जाता था, सोचता था क्या बोलूं मैं। बट भाई वेदान के अंदर भाई वो बोलना तो पड़ेगा कि भाई तुम इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम उसको ले रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा जो लोग बातें कर रहे हैं भाई उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो काफी काबिले तारीफ वाली बात है भाई। मतलब वो हर कोई नहीं कर सकता भाई। मैं होता उसकी जगह तो मैं तो नहीं कर पाता भाई, मैं तो नहीं सह पाता। बट कुडोस टू हिम भाई, इट्स नॉट इजी। गान ना करे, वो लड़की देख रही है इस वक्त, वो देखती है, वो सारी स्ट्रीम देख रही है, वो भी देख रही होगी स्ट्रीम में। कर ले मेरे अभी मेरा अभी मेरा फोन बचेगा, बोल ही सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो लड़की जो भी देख रही है टेक्स्ट कर दो ना प्रखर को डायरेक्टली। तो आई प्रखर बेबी, मुझे मैंने बोला पता नहीं है, देख नहीं मेरे को, मैंने उसको एग्जैक्टली यही बोला। सेम मोमेंट ही कि तू टेक्स्ट कर, मैं कनेक्ट नहीं करने वाला हूं। तो वेदांत, तेरी लास्ट रिलेशनशिप कब थी? दे आस्क यू हाउ आर यू, जस्ट से दैट यू आर फाइन। ब्रो डायरेक्टली हिट द पेन पॉइंट। नॉट रियली फाइन। मेरी जो 10th क्लास में जो गर्लफ्रेंड थी, I think 2-3 महीने हमने डेट किया भाई, वो काउंट नहीं करता ऑफिशियली। ए बता दीजिए मेरे को, सुनना मतलब काउंट तुम करो ना करो, बट उसकी स्टोरी भी, वेदान की स्टोरी भी इतनी इनोसेंट, फुल ऑफ इनोसेंस रहती थी ना, मजा ही आ जाता था भाई सुनने में। यू हैव एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि भाई, मतलब भाई कहना नहीं चाहता किसी के लिए, वो सबके लिए सब्जेक्टिव होता है, बट काफी छोटी सी स्टोरी को जिस तरीके से वो बताता था तो बहुत इनोसेंस ही झलकती थी। स्टोरी इंटरेस्टिंग है। हाँ ठीक है। उसके बाद उसने एक बंदे को डेट किया 1 महीने, उसके बाद उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को डेट किया 2 साल। ओह स्कैम हो गया भाई के साथ। इस पे वो वाला मीन लगा चाहिए, हंस दे हंस दे चेहरे नहीं देखा, ऐसे कुछ करके जो था। मतलब तू 10th में एक गर्लफ्रेंड थी तेरी, हाँ, तो तूने मुट मारना किस एज से स्टार्ट किया? एक दिन एक पार्टी थी, मैंने उसको बुला लिया, अगले दिन इन दोनों का चक्कर चालू, मेरे को पता नहीं कब इनकी बात चालू होगी। दोस्त का तेरी गर्लफ्रेंड से? हाँ, दोस्त का, और सॉरी उस लड़की से। और वो क्लास में भी नहीं आता था, वो क्लास में भी नहीं आता था भाई। उसने कहा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे ढूंढी, कहाँ मिला पता नहीं कहाँ सेटिंग कर, बहुत मादरचोद होता है, बहुत हरामी होते हैं। सही बात बोली है, बहुत खराब जाता है। तुम लोग बहुत लकी हो, तुम लोग को मेरे ऐसे नीच दोस्त नहीं मिले। मेरे इतने दोस्त करते थे, मैं बता दूं कितने नीच मादरचोद दोस्त थे।
एक तो है भाई जो श्वेताब की स्कूल वाली स्टोरीज रहती थी वो जिस हिसाब से बताता था भाई मजा आता था। मतलब इवन दो कितना ही उसमें दर्द रहा हो स्टोरी में अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखो, बट द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग वॉज वेरी नाइस। मतलब वो आपको ऐसा लगता था कि भाई आपके सामने चीजें हो रही है, तो मजा आता सुनने में कि अगर गलती चाहे कुछ भी हो। तुम किसी लड़की को लाइक करते हो, मैं हाई स्कूल कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है अभी 14 साल भाई, ये मुझे लाइक कर रहा है। नहीं, उसका नंबर निकलवाएंगे, उसके घर में उसकी मम्मी को कॉल करेंगे तुम्हारे नाम से, साले ऐसे लीचड़ दे कुत्ते। आंटी मैं श्वेता भाई, मेरे साथ में किसी ने ऐसा, अच्छा भाई मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया भाई। मेरे मेरे दोस्त भाई सीधे साधे लोग थे भाई, जस्ट लाइक वेदांत। अरे मैं भी ऐसे ही था, मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे। नौरी बातें करेंगे तुम्हारे नाम पे, मेरा मन कर रहा है। अरे मैं बता नहीं सकता क्या क्या बोला उन्होंने, बहुत पसंद है, मेरा फोन काट देंगे भाई। जो भी हो मजा तो आता था, रॉ एंड रियल में मजा तो आता था। मतलब मैंने तो अभी देखा, बट रॉ एंड रियल मतलब यार ऐसा पॉडकास्ट है जो अभी मुझे करंटली यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पॉडकास्ट बना रहा। अगर आप लोग जानते हो किसी को तो प्लीज मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। बट भाई जिस लेवल की रॉनेस और रियलनेस जो आती थी पॉडकास्ट में वो मतलब, और जिस हिसाब से पर्सपेक्टिव शेयर किए जाते थे, टाइम पास भी किया जाता था, वो मैं तो कहीं और नहीं देखा है। इसलिए मैं कभी कभी दोबारा देख लेता हूँ एपिसोड कुछ कुछ। भाई इतना मजा आता है, इतनी हंसी आती है, मतलब इट्स लाइक थेरेपी भाई। जो अफोर्ड नहीं कर सकता थेरेपी उसके लिए यही है भाई। आपको मतलब आफ्टर वॉचिंग इवन वन और टू एपिसोड यू यू विल फील सो लाइट हार्टेड। अगर आपको गालियों वगैरह से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको गालियों से प्रॉब्लम है कि आप चाहते हो कि भाई लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करें, मे बी इट विल नॉट बी फॉर यू। बट यार हाँ मजा तो आता था। अगले दिन मैं चूतिया उस लड़की को लाइक करता हूँ तो उसके घर पे चला गया। स्कूल क्यों नहीं आई? क्योंकि उसके घर पे फोन आया मेरे नाम से, मुझे पता ही नहीं है। मैं उसके घर गया शाम को, नमस्ते आंटी आज मुझे कैसी है, घर गया आंटी के बेटा तुम्हारा नाम क्या? मेरा श्वेता का बेटा। डराओ अंदर आ बेटा। ओके खत्म। दिस फनी दूसरी है, एक और वीडियो है। वेरी फनी, दिस इज हैव मोर। ओके एक और है, चश्मा नहीं लगाया, मैं देख नहीं पा रहा। अच्छा तुम लोगों ने कभी तो बहुत मिलता हुआ आया ये ना, तो ओ आई एम टॉकिंग अबाउट पूप भाई। मेरे एयरपोर्ट्स नॉइस कैंसलेशन पे है, सो आई डोंट रियली नो मैं कितनी लाउड बोल रहा हूं, सो आई होप इस बार कोई दिक्कत ना हो। बट एनीवे क्या था, आई एम टॉकिंग। अच्छा तुम लोगों ने कभी खेत में किया हो ना, तो भाई लेट मी थिंक, मैंने कभी किया है क्या खेत में? मैंने बचपन में किया होगा, मैं गांव में, उसके बाद तो नहीं। बट भाई खेत पे भी करने का अलग ही मजा है। मतलब सुबह सुबह जाओ, 5 बजे उठ के, 5-6 बजे उठ के लोटा लेके जाओ, ऐसे आप साइड से चल रहे हो और सीधा खेत पे पहुंच जाते हो। मतलब ओपन डेफिकेशन ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, बट हाँ मजा तो आता था उस टाइम छोटे पे। ओ ज्यादा मुझे ध्यान है अगली मां फूफा एक मैंने पोस्ट को बोला भी था मेरे पापा प्लीज सर मैंने परफेक्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट अलाइव, आई एम द ग्रेटेस्ट अलाइव, आई एम द ग्रेटेस्ट अलाइव। यार मेरे पीछे कुत्ते की आवाज आएगी, बस वो एक इशू है भाई। कुत्ता भी बहुत ज्यादा आता था भाई। श्वेता बोल रहा हूँ वेदांत के, जब भी कोई भी बात चल रही बीच में उसका कुत्ता भागने लगता था भाई। तो क्या कुत्ते को पॉडकास्ट में अलाउड नहीं है? नहीं रहा स्लाइट एक्सेंट का जो तुम्हारा जो बहुत यार कुछ चश्मा बड़े लगा रहा बहुत चोट जैसे मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। मैं बताओ बता यार बता पॉडकास्ट में अलाउड नहीं है बात में दम डैम ब्रो। और तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीफ कितना है अपनी बात को अपनी बात में? पर तुम ये भाई कितनी गहरी बात चल रही है, बेचारे वेदांत को इग्नोर कर दिया, कोई सुन ही नहीं रहा। बहुत बार हुआ है बेचारे वेदांत के साथ, एक अच्छे खासे बकचोद जो बहुत चोरी कर रहा है। मैं दुनिया में इतना बोल लेता हूं वो है मैं प्रेजेंट कर लूंगा, मैं लॉस में पता लग चुका। बट भाई एक चीज तो है, मतलब वेदांत की एनर्जी जो थी इससे मतलब एकदम शांत कि ये दो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यार तीनों लोग ऐसे बोलने वाले होते तो वो काफी ज्यादा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी का मिसमैच हो जाता। तो वो एक अच्छी चीज थी कि एक इंसान है जो शांत है, एक इंसान है जो एक, और जो भी तीन लोग होते हैं जितना भी आपने अगर देखे हो कॉलेज वगैरह में या भी कोई भी, तो
ट्राई पार्टाइट ही बोलते हैं ना, तीन लोगों का जो एक ग्रुप होता है या समूह होता है, उसमें एक बंदा जरूर होता है जो थोड़ा शांत सा रहेगा, तो वो एक ऐसे एक अच्छा असिमिलेशन होता है एनर्जीज का। बट अगर तीनों बोलने वाले हैं तो वो क्लैश बहुत ज्यादा रहेगा और वो चलेगा भी नहीं अपना दोस्ती या जो भी है। जोश में आते थे भाई हम लोग। उसने अपने ASMR चालू कर दिया कि भाई मैं अपना कप में ऐसे पानी डाल रहा हूँ, इनको करने दो बातें, मेरे तो कोई सुन नहीं रहा है। वेदांत बड़ा काम सोल है, इज अ वेरी काम सोल। आई थिंक एक बहुत बड़ी एनर्जी यही थी द रीजन व्हाई वेदांत मेड सच परफेक्ट सेंस इन द पॉडकास्ट इज बिकॉज यू नो वो तुम्हारी सारी कामनेस रिप्रेजेंट। एक हद तक ट्रू है बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, कहीं ना कहीं मुझे बीच बीच में थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता था, कहीं ना कहीं जो वेदांत मतलब बात ये चल रही है और वेदांत अपना कोई बी पॉइंट कहीं ना कहीं से कुछ भी घुसा देता था, थोड़ा मेरे को अजीब लगता था। बट दैट्स जस्ट माय थिंकिंग। और वो चीज लेके आता था जिसमें काइंड ऑफ हम आई थिंक हम दोनों बट भाई तीनों मिलके मजा तो आता था, तीनों मिलके जो पॉडकास्ट करते रिलैक्स कर पाते थे बिकॉज ऑफ हिम, बिलीव इट और नॉट। लाइक तुम एनर्जी लेते हो एक दूसरे से, अगर ये भी केओटिक होता ना, हम तीनों तो केओटिक होते तो भाई Vedant look like Mr. Faizu. Mr. Faizu. Hey, handsome लग रहा लड़का। Faizu जैसा तो नहीं लग रहा भाई। लड़का क्या बन गया है? एकदम अप्रॉक्स। कुछ लोग की अप्रॉक्सीमेशन इतना बढ़िया होता है ना? क्या बन गया? तेरे को कह रहा क्या बन गया है? तेरे को कह रहा क्या बन गया है? क्या बन गया? बढ़िया। उसको लगा पहले कि वेदांत को बोल रहा है। अपनी ठंड में बहन जो बैठी हुई है हद है यार। भाई मुझे इसको देख के मुझे वो याद आ रहा है। ये ठंड होती है ना? ठंड में एक सुबह सुबह 5-6 बजे आप निकलोगे तो एक अंकल आपको जरूर मिल जाएंगे, वो ऐसे ही कपड़े पहने रहे और उनके वो ऐसे साइड में वो भी लगा रहेगा जो सर्दियों के वो होते हैं ना हेडफोन्स टाइप, जैसे कान गर्म रहते हैं, और चाय पी रहे होंगे भाई कहीं पे किसी साइड में बैठे हुए। आप जरूर देखना इस बार सर्दियां आएंगे ना तो आप जरूर नोटिस करना, एक ना एक अंकल आपको जरूर पक्का 100% मिल जाएगा। तुम पता है तुम क्या करते हो? तुम फैशन शेमिंग। जब मैं था तुम्हारा आई थिंक 19 का, मेरी 26 साल की लड़की थी जिससे बात हुई थी, मेरा सीन कट हो रहा था, बट वो रोमांटिक सीन नहीं था दोस्त, कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में, बट हमारा सेक्सुअल सीन बन गया था। मुझे समझ में नहीं आया भाई क्या है स्टॉप द कैप, व्हाट इज इट? Even though I'm Gen Z, I have no idea what does it mean. Stop the flex. Flex मत करो ज़्यादा. ऐसा कुछ होगा? ज़रूरत नहीं है. अगर चल छोड़ो. Flex ही है. Quote of the day. इंसान कुछ झांटू होते हैं, कुछ इंसान झांटू नहीं होते. वो जो लाइन औरत हो सकती है. वही quote of the day. Quote of the century है. Best quote in Hindi. From this century. Shit, man. Thank you. Damn. Nostalgia, eh? Heavy nostalgia, bro. Like, out of nowhere, I just watched these. Just aaj, out of nowhere, I think. But, bhai, main chahta hoon yaar. Ki... Kuch aisa bane, matlab, dwara bane. Aisa kuch. मैं चाहता हूँ सच में, पता नहीं ये लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, बट कि जहां पे भाई मतलब कोई भी चीज हो, पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, वो प्रेटेंशियस नेचर ना, जो कि मुझे आजकल हर बहुत सारे पॉडकास्ट में दिखता है, और वो पॉडकास्ट लगते भी नहीं, जस्ट काइंड ऑफ बेसिकली देयर स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, तो वो एक जो रॉनेस रियलनेस जो यहाँ पे है वो मैं चाहता हूँ दोबारा किसी ना किसी तरीके से मुझे कहीं ना कहीं दिखे, जो कि मैं अभी करेंटली यूट्यूब पे काफी ज्यादा मिस करता हूँ। इसलिए मैंने देखे ये जितने भी पॉडकास्ट थे, मैंने ढूंढ ढूंढ के देखे भाई, क्योंकि कुछ कुछ यूट्यूब पे हैं, कुछ कुछ नहीं है, तो मैंने उसका एक तरीका निकाला। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग स्पॉटिफाई पे जाके देख सकते हो, सारे मैंने देख लिए, और जितने भी मतलब जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे काफी सारी चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी, काफी सारे वर्ड्स थे ऐसे जो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं थे, काफी सारी मूवी रिकमेंडेशन थी और शो रिकमेंडेशन जो मैंने नहीं देखे थे, मैं सब कुछ हर एपिसोड का नोट डाउन कर लिया, ये दो नोटबुक पड़ी हुई हैं, मैंने नोट डाउन कर रखा है, तो जब भी टाइम मिलेगा मुझे इन फ्यूचर, मैंने कुछ कुछ देख लिए हैं, कुछ मूवीज काफी अच्छी रिकमेंडेशन दी, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई
वो काफी अच्छी रिकमेंडेशन थी ये सारी। और कॉबॉय बीबॉप देखा, मुझे ठीक लगा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। देन डेथ नोट मैंने देखा फाइनली, मेरा दूसरा एनिमे। पहला एनिमे मैंने कॉबॉय बीबॉप देखा था, दूसरा एनिमे मेरा डेथ नोट देखा। डेथ नोट अच्छा था बट मैं पूरा खत्म नहीं कर पाया हूँ, 25 एपिसोड था, फिर मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, मुझे मजा नहीं आया उसके बाद। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाकी भी देखूंगा, सब कुछ मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है। तो काफी मतलब एंगेजिंग भी था पॉडकास्ट, काफी मनोरंजक भी था, काफी ज्यादा आपको सीखने को भी मिला, काफी नए पर्सपेक्टिव भी मिले थे। बट वो चीज जो ये सारी चीज असिमिलेशन ये सारी चीजों का वो करेंटली यूट्यूब पे नहीं है, दैट आई रियली मिस। और अब ये पॉडकास्ट को भी आप कितनी बार देखोगे, क्योंकि 2-3 बार आप देख के आपको कोई नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है, आपको अच्छा लगता है, बट यू वांट समथिंग न्यू, राइट? आई वुड लव टू सी दैट। सो आई डोंट नो मैंने दो हु विल मेक दिस 4 साल बाद देख रहा हूँ मैं ऑल ऑफ दिस, इट जस्ट फकिंग हिट्स यू। मैंने तो अभी देखा, मैं जब पीक पे था, जब दीज गाइज मेकिंग इट कंसिस्टेंटली 2020 2021, तब मैंने नहीं देखा था, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट मैंने अभी देखा तो मजा आया मेरे को। आई विल जस्ट से दिस, लाइफ में आई थिंक अगर ये हम लोगों ने कैंसिल ना किया होता, अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहते अभी इस टाइम पे, ये सबसे आई थिंक वुड हैव लाइक फाड़ के हाथ में रख दिया होता इसने। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है इसकी एक अलग नीश रहती, मतलब नीश में, उस नीश में इट वुड बी ऑन द टॉप, बट आई डोंट थिंक सो कि लोग डाइजेस्ट कर पाते मेजोरिटी में। बट हाँ, पॉडकास्ट नंबर 1 पे आ सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि वही लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पॉडकास्ट। तो एक नीश में इट वुड बी ऑन द टॉप, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज इसको देखो तुम, एक चीज क्लियरली जो दिखती है, 2-3 एलिमेंट्स क्या है। पहला चीज, यू रियली रियली फील, आई विल टेल यू उसके पीछे रीजन क्या है, यू रियली फील कि हम लोग दोस्त हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम एक्चुअल में ऑल 3 ऑफ अस वर एग्जैक्टली हु वी आर। वो एक वही जो मैंने बोला, रॉनेस और एक रियलनेस, जो कि नाम भी सजेस्ट करता है कि भाई 3 लोग बैठे हैं, तो अब कोई प्रटेंड नहीं कर रहा कि हमको ऐसा दिखना है और बेजती हो रही है, बेजती होने दो भाई, जो है वो है, वो दे आर ओनिंग अप टू देमसेल्व्स, दे आर ओनिंग अप टू देयर पर्सनैलिटी, व्होएवर दे आर, बी इट गुड और बैड, जो भी उनके थॉट्स हैं, जो भी उनके विचार हैं। तो वो काफी मुश्किल का करना, एंड कुडोस टू देम, दे वर डूइंग इट। वरना 1.5-2 घंटे तो इतनी बकर कर ही नहीं पाओगे, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क। बिकॉज दूसरी चीज आ जाती है कि ये बहुत रेयर होता है कि 3 लोग अगर बैठ रहे हैं तो, और इस लेवल पे फिर वो जो भी बकर कर रहे हैं मैजिक क्रिएट हो, कि मजा आ रहा है सुनने वाले को। ये आई थिंक बल्कि कौन सा शो है तुम्हारा, टॉप स्पीड या जो भी तुम्हारा ब्रिटिश का शो हुआ करता था बीबीसी का, उसमें जो 3 वो जो ब्रिटिश थे, आई हैव नो आइडिया किस शो की बात हो रही है, ये काइंड ऑफ वाली चीज है, उनमें भी था कि 3 लोग बैठ जाकर पकड़ करने हैं। आई वुड लव टू बी, अगर मैं होता पॉडकास्ट में, अगर मुझे आने का मौका मिलता, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे साथ होता है ऐसा। वुड आई बी एबल टू हैंडल द रॉ एंड रियल पॉडकास्ट, अगर हम एक ऐसे सिमुलेशन रन करें और मैं एज अ गेस्ट, क्योंकि एक बार एक गेस्ट आया तो था, विनम्र कसाना था भाई, जो ली थी विनम्र कसाना की वेगा भाई, अच्छा हुआ जब मैं सिमुलेशन ड्रॉ कर रहा था, तो आई डोंट नो कैसा होता है, बट अब तो वापस नहीं आ सकता है। मैजिक है, अगर ये कंटिन्यू हुआ होता हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुके, इसको इस शो को हम लोग एक्चुअली लाइव शोज में भी ले आ सकते थे और पता नहीं कहाँ कहाँ ले आ सकते थे। बट अगर इस शो को अपने से ऊपर रखते, दिस इज अ फोर्थ एंटिटी सेपरेटली, बट हे दे आर डूइंग वेल नाउ। अगर ये शो चलता मे बी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता, और मे बी जो लोग अब कर रहे हैं ये लोग ना कर रहे होते। आई मीन दे ऑल इज ही रिग्रेटिंग, आई डोंट नो, मुझे ऐसा साउंड किया कि देयर इज सम रिग्रेट और रिमोर्स, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगा। आर डूइंग वेरी वेरी वेल, राइट? प्रखर का भी अच्छा खासा चल रहा है चैनल, पॉडकास्ट कर रहा है वो, एंड वेदांत इज जस्ट ब्लोइंग अप, वेदांत इज फकिंग किलिंग इट। मैंने पॉडकास्ट नहीं देखे हैं प्रखर वाले, मैंने उसका चैनल इतना मैंने कंटेंट नहीं देखा, 1-2 मैंने वीडियो देखी थी, मेरे को फीड में आई थी, मेरे को रील्स में आता रहता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, प्रखर के पॉडकास्ट के रील्स मेरे को आती रहती है, पता नहीं क्यों। बट वेदांत की मैंने वीडियोस देखी हैं, एक उसने नीच पकड़ ली है उस टाइप की वीडियोस, एंड ही इज गेटिंग व्यूज, बट मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं रहता उन सब की वीडियोस में। एक तो वेदांत का ऐसा रहता है कि वो पता नहीं 5-10 मिनट तो वो टॉपिक के अराउंड घूमता रहता है, एंड आई एम लाइक कि भाई जल्दी कर, थोड़ा पलवेर निकलना है, तो मेरे से नहीं देखा जाता। बट ही इज गेटिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ व्यूज ब्रो, सो दैट मीन्स पीपल वांट टू वॉच दिस टाइप ऑफ कंटेंट, सो गुड फॉर हिम, ही इज प्लेइंग द गेम। गेम में फाइनली वेदांत जो मारा है,
इनसेन टू वॉच हिज रिटर्न. मजा आ जाता है मेरे को तो. सो गुड नॉस्टैल्जिया यार, मजा आ गया. दोस्तों अगर आपको भी ऐसा मजा चाहिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर रिएक्शन. आप मुझे आप लोग भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस पे हमें और रिएक्ट, अरे रुक जा भाई, किस पे हमें और रिएक्ट करना चाहिए. हैविंग सेड दैट यार, ये एक तो मेरे को भाई ओबीएस सीखना पड़ेगा भाई कैसे चलाने हैं इसको. और मैं इधर गया, नाउ आई एम हियर. ओके वाओ गाइस, ठीक है भाई. तो आप लोग मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैं टेढ़ा क्यों दिख रहा हूं, बट एनीवे आप लोग मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस चीज पे हमें और रिएक्ट करना चाहिए. हैविंग सेड दैट आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep enjoying your life. Chalo bhai.